हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दही वाली मसाला अरबी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मसालेदार और चटपटी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप जरूर ट्राई करें। आइए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। 500 ग्राम अरबी को मैंने प्रेशर कुक कर लिया है और इसे छील कर इस तरह लंबाई में काट कर डीप फ्राई कर लिया है। इससे ये लसलसी नहीं बनती और टूटती नहीं है। और मैंने लिया है हींग, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, अजवाइन, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, हल्दी ली है और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अनारदाना। अगर आप अनारदाना यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसमें इससे आधी क्वांटिटी में आप कोई भी अमचूर पाउडर ले सकते हैं। दही को भी मैंने स्मूथ कर लिया है, धनिया लिया है और सरसों का तेल लिया है। इन इंग्रेडिएंट्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। अब एक मिक्सर जार में आप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। को चला लेंगे। अब पैन में तेल डालकर इसे स्मोकिंग पॉइंट तक गरम करेंगे। अब फ्लेम लो पर कर लेंगे ताकि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए। अब इसमें डालेंगे हींग, अजवाइन, हमने मसाला पीसा था अदरक लहसुन का, इसको डाल देंगे। और फ्लेम अब मीडियम पे कर लेंगे। अब इसे थोड़ा पकने देंगे जब तक कि मसाले अपना तेल को ना छोड़ दें। अच्छी तरह गुलाब वाले से भूनते रहेंगे। यह हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। बाकी के सूखे मसाले वो भी साथ साथ डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर,
जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, अनारदाना, गरम मसाला, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे, मसालों को भून लेंगे। इसमें दही डालेंगे और फ्लेम को लो पे कर लेंगे ताकि ये इसको अच्छी तरह हिलाते रहेंगे, इस तरह लगातार चलाते रहें इसे। अच्छी तरह भून लेके अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। एक उबाल आने तक उसके बाद अरबी डालें। अब इसमें अरबी डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा सूखने देंगे ताकि अरबी के अंदर इसका मसाला पूरा चला जाए। अब साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, गरम मसाला अब गैस बंद कर देंगे। अब अरबी को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और धनिये के साथ इसे सर्व करेंगे। ये हमारी दही वाली मसाला अरबी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।